अपर बाराबंकी के थाना जैदपुर से जहां अटवा जंगल के पास पुलिस और सात बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें मार्फिन तस्कर और एनडीपीएस के आरोपी शत्रुघ्न की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। मार्फिन तस्कर की फायरिंग से एक पुलिस का जवान घायल भी हुआ है। जवाबी फायरिंग से मार्फिन तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हुआ है। आरोपी के पास से 50,000 नगद व एक अवैध असला और अवैध मार्फिन बरामद की गई है। थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों के आने की सूचना मिली थी, जिसमें जैदपुर सफदरगंज मार्ग पे कुछ मुखबिर की सूचना पे रोकने का प्रयास किया गया मोटरसाइकिल को, जिसमें इन लोगों ने रुकने से मना किया और पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो अपराधी है शत्रुघ्न नाम का है, ये एनडीपीएस का अपराधी है और कई जगह पे लखनऊ, दिल्ली और बाराबंकी के कई थानों में वांछित अपराधी रहा है। ये एनडीपीएस का काम करता था लगातार इस क्षेत्र में और अभी घायल हुआ है, इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसका एक साथी अखलाक जो मौके से फरार है, उसके लिए कॉम्बिंग जारी है। इस क्षेत्र में जो भी ऐसे अपराधी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और लगातार ऐसे अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये इंटरनेशनल हब बोला जाता है मार्फिंग का, यहाँ पे जो जैदपुर है उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? लगातार इस क्षेत्र में ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, जो भी एनडीपीएस या मार्फिन या चरस तस्करी में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और सभी ऐसे अपराधी जो हैं उनको बिहाइंड द बार पहुँचाया जाएगा। थैंक यू।